हर एक बच्चे से विनती करना चाहूंगा कि आपने सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। मैं केवल आपसे दो चीज मांगता हूं। सबसे बढ़िया मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस, धीरज सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपको राइट डायरेक्शन में तैयारी करने, बिना कुछ बौखलाए हुए। 3 महीने तैयारी करी, 1-2 महीने के लिए गायब हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। शुरू से ले आखिर तक टिक के पढ़ना है, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए पढ़ाई में, ठीक है। बिगिनर हो, बिगिनर शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। आप कोई स्पेशल नहीं, सबसे पहले आप अपने आप को स्पेशल मानना बंद कर दीजिए कि मैं एक स्पेशल इंसान हूं। नहीं, आपकी तरह लाखों करोड़ों लोग हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी में आना चाहते हैं, ठीक है। वो सब बिल्कुल आपके जैसे हैं, उनको थोड़ा बहुत आपसे कम या ज्यादा ही आता है। आप कोई स्पेशल नहीं है। सबसे पहले निकाल दीजिए कि हम बिगिनर हैं, हम ये हैं, हम इस स्कूल से पढ़े, हम ढिमके से पढ़े, ये बातें बिल्कुल निकाल दीजिए। इसका वास्तविक साथ से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल। तो मैंने आपको यहां तक की बातें समझाई। देखिए दोस्तों, दो चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं। मैं स्टूडेंट के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा कि स्टूडेंट को खुश करने के पर्पज से बिल्कुल नहीं पता पढ़ाऊंगा। मैं वैसा पढ़ाऊंगा जिससे नौकरी लगे। एक्चुअली जिस बच्चे ने जो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास अच्छे से पढ़ी होती है, उसको सरकारी नौकरी की तैयारी में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जो बच्चा 9वीं 10वीं क्लास अच्छे से पढ़ता है, तो मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि उसकी नौकरी लगने के चांस ज्यादा हैं, रादर देन जिसे 9वीं 10वीं क्लास में मजे लिए हैं। एक कड़वी सच्चाई है, माननी चाहिए आपको। स्टूडेंट्स का दिमाग है दोस्तों यहां, चलो पेपर यहां से शुरू होता है तो स्टूडेंट केवल यहां तक पढ़ना चाहता है, लेकिन यहां तक पढ़ के नौकरी नहीं लगती। मैं यहां से ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी समस्या यह कि मैं यहां से लेकर इस लेवल तक जाऊंगा। मेरे दोस्तों, आपको थोड़ी बहुत समझने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है उस लेवल से थोड़ा ऊपर लेवल तक भी हम जाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पेपर अगर ऊपर नीचे होता है तो आप उसको देख के बौखलाओ ना बिल्कुल भी। बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक हम जाएंगे, ठीक है ना। आधे स्टूडेंट ऐसे जो केवल बेसिक ही पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से ऊपर उठना ही नहीं चाहते, ऐसा नहीं होता। बेसिक से हाई लेवल तक आपको जाना है। सिंपल सवाल तो आप आसानी से कर लेते हो, कठिन सवाल में आप रोने लगते हो, तो वो रोना आपको बंद करना होगा। कठिन सवाल आपसे एक दिन में सॉल्व होना शुरू नहीं होंगे, एक लंबा प्रोसेस है। 3-4 महीने तक लगातार जब आप गणित पढ़ोगे बिना ब्रेक के हुए, तब आपके अंदर धीरे धीरे सुधार आना शुरू होगा। केवल तैयारी आपका पेशेंस, धीरज मांगता है, ठीक है भाई। चलिए, तो कल जब आप क्लास में आओ, तो मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि आप सभी बच्चे जो हैं 30 तक पहाड़े याद करके आए, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद करके आए, और 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद करके आए। अब दूसरी बात, सभी बच्चे कहते हैं सर प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस कहां से करें। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं सीधा सीधा कि कहां से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले मैं जो भी बताता हूं मेरे दोस्तों, पूरा डिटेल में बताता हूं, कंसेप्ट को थ्योरी समेत पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। जितना डिटेल में बताऊंगा पूरे भारत में कोई नहीं बताएगा, आप लोगों को गारंटी है। दूसरी बात कि जब भी कंसेप्ट हो जाए, सवाल क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद आपको जाके 15-20 मिनट वो रिविजन करना है। ऐसा नहीं कि आप उसी चीज को 2-2 घंटे तक रिविजन कर रहे हैं। क्लास खत्म हो जाने के बाद, वो हर स्टूडेंट का अलग अलग लेवल होता है, आप उस पर कम से भी कम 15-20 मिनट या आधे घंटे डेली रिवीजन करिए हर क्लास का, ठीक। मेरे प्यारे भाई, अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा है। खुद से नोट्स, जो भी मैं आपको कंसेप्ट लिखवाऊंगा, आप उसके खुद से नोट्स बनाइए अपने हाथों से। आप अगर केवल पढ़ रहे हैं तो आपकी केवल एक इंद्री काम कर रहे, दिमाग। जब आप पढ़ने के साथ साथ लिखते भी हैं तो आपका दिमाग भी काम कर रहा है, आपका हाथ भी काम कर रहा है, आपकी आंखें भी 2-2 जगह प्रॉपर काम कर रही है। 3-3 इंद्री जब काम करते तो आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक टिकता है। अगर आप पॉसिबल है तो आप डेली नोट्स बनाइए। नोट्स केवल कंसेप्ट का बनाना है, हर एक सवाल का नहीं बनाना। उसी सवाल को आपको अपनी कॉपी में उतारना है जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट है और मैं इसको बाद में भूल जाऊंगा या इसमें कुछ नया है।
हर सवाल का नहीं बनाना, सवाल का केवल सॉल्यूशन उतारना है, क्वेश्चन नहीं उतारना, ठीक है ना। क्वेश्चन के लिए शीट अवेलेबल है, समझ में आया। और नोट साथ के साथ बनना है, अलग से फेयर करने की जरूरत नहीं, आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए दोस्त, दूसरी बात यह हो गई, डेली के डेली रिवीजन करिए। है भाई, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर मैं आपको कोई चीज आज समझा रहा हूं तो पिछले तीन लेक्चर की, चार लेक्चर की चीजें आपको पता हो, वो मुझे बार बार बतानी ना पड़े, ठीक है भाई। होल्ड करो भाई मोनू, होगा, चिंता मत करो। यहां तक की बात समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर। चले तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन से, ठीक है ना।